तो ये है आपका बॉक्स एंड पैकेजिंग, जैसे आप देख पा रहे हो वाई का है, और ये आपका स्पेशल एक लैंडलाइन है जहां पर आपको बहुत कुछ मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। और सबसे पहले आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है एग्जैक्टली आप इसको कैसे सेटअप करेंगे और क्या क्या इसमें कर सकते हो। सो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम यूजर के लिए डेफिनेटली ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। उसके साथ आपको जो मिलता है एक चार्जर मिलता है, ये तो नॉर्मल चार्जर नहीं होता है। सो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ इसका रेटिंग एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर का 5 वोल्ट 0.3 एम्पीयर है, सॉरी 9 वोल्ट 0.6 एम्पीयर एग्जैक्टली। सो वो आपको एक मिलता है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है। उसके बाद जो मिलता है ये आपका नॉर्मली एक डायल, मतलब जो आपका हैंडल मार मिलता है जिससे आप बात कर सकते हो। और उसके बाद आपको मिलता है उसका एक कनेक्टर। सो डेफिनेटली ये तो आपका नॉर्मली इसका कनेक्टर है, सो बाद में इसको सेट आउट करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है एक बैटरी। सो एक बार क्लोजिंग जाके देख लेते हैं एग्जैक्टली कितना एमएच का इसका बैटरी है। सो ये है आपका बैटरी, आपका 3.6 1500 एमएच का आपका इसमें बैटरी मिलता है। सो डेफिनेटली बैटरी ऑपरेटेड है और डायरेक्ट आप बिजली से भी चला सकते हैं, सो दैट्स ए गुड थिंग। उसके बाद जो है और क्या मिलता है, अच्छा यहाँ पर आपको एंटीना मिलता है जैसे आपका लैंडलाइन पर आपका एंटीना रहता है। और उसके बाद आपको मिलता है बेसिकली फ़ोन, तो मैं रखता हूँ सब कुछ साइड में और आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ फोन कैसा है। सो गाइज ये रहा आपका फोन, जैसे आप देख पा रहे हो जैसे नॉर्मल लैंडलाइन होता है वैसे ही आपका है। तो मैं जल्दी से इसको पहले सेटअप करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ, सबसे पहले इसको मैं एक बार सेट आउट कर देता हूँ जैसे नॉर्मल आपका जो लैंड फोन लगाना लगाया जाता है उस टाइप का ही है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होगा, और ये जाएगा आपका नॉर्मली यहाँ पर, तो इस टाइप का आपका लगेगा जैसे आपका फ़ोन होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक है एंटीना। सो एंटीना को मैं एक बार चेकआउट करके लगाता हूँ। एंटीना आपका बेसिकली लगता है इस साइड पे जैसे आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पर आप लगा सकते हो एंटीना को। सो जैसे आप देख पा रहे हो एंटीना आपका हो गया है सेट, तो ऐसे आप लगा सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर आपका चार्जर, डायरेक्टली चार्जर से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आपका बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली मैं इसको रखता हूँ साइड में, जहाँ था बैटरी परफॉर्मेंस का सवाल है, इट विल गिव यू अप्रॉक्सिमेटली 7 to 8 hours ऑफ बैटरी लाइफ इसका। और डायरेक्टली अगर बैटरी ना है पावर केबल से भी इसको आप चला सकते हैं। तो मैं जल्दी से बैटरी और सिम को पहले इंसर्ट करता हूँ, उससे पहले मैं बैक साइड में एक बार आपको जाके दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सो यहाँ से आप इसको बैक साइड को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ आई में इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर अगर क्लोजर व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर आपका एक बड़ा जैसे नॉर्मल सिम है, यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर आपका बैटरी कनेक्टर है। तो जल्दी से सबसे पहले मैं एक बार सिम लगाता हूँ उसमें। सो ये रहा सिम, और सिम को मैं सबसे पहले डालता हूँ ये जगह पर, और ये जाएगा कुछ इस प्रकार से। सो जैसे आप देख पा रहे हो आपका सिम यहाँ पर लग गया। उसके बाद बैटरी को करना है कनेक्ट, तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। और बैटरी का जो कनेक्टर है कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, जो जाता है इस जगह पर। यहाँ पर लगने के बाद ये बैटरी आप रख सकते हो ऐसे, ऐसे रखेंगे बैटरी आपका ऐसा पूरा सेट हो जाता है। उसके बाद जो बैक कवर है आप इसको इस प्रकार से ऐसे लगा सकते हैं, ये एकदम आपका हो गया है सेट। और ये रखता हूँ मैं डायलर। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या बटन्स है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये तो आपका डिस्प्ले है ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका डिस्प्ले है। और ऊपर से यहाँ पर आपका कुछ नेविगेशन बटन्स है, यहाँ पर बैक और मेनू का कुछ बटन है, 1 2 3 4। यहाँ पर आपका कुछ डायलर है, यहाँ पर फ़ोन वो का डायल है, पावर ऑन ऑफ बटन है, 1 2 3 4 जैसे होता है वैसे ही आपका है। तो यहाँ पर आपका है आपका पावर बटन, तो इसको मैं दबा के रखता हूँ, देखता हूँ होपफुली आपका बैटरी में थोड़ा बहुत चार्ज रहेगा। सो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका ये हो गया है ऑन, और ये आपका हो रहा है ऑन, तो थोड़ा बहुत ऑन होने देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने सिम यहाँ पर लगा दिया, जैसे यहाँ पर आपका फुल सर्विस दिखा रहा है, 2G दिखा रहा है, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा तो सिम यहाँ पर काम आपको नहीं करेगा। यहाँ पर आपका मेन्यू में जा सकते हैं, मेन्यू में जाकर यहाँ पर मैसेज है, कॉल लॉग है, फोन बुक है, तो सभी कुछ यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पर डायरेक्टली फुल बुक है, तो आप किसी को भी यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एन एग्जाम्पल बैलेंस चेक करना है, तो मैं जैसे ये आपका प्रीपेड नंबर है *125#, तो यहाँ पर कॉल बटन अगर मैं दबाता हूँ तो मैं यहाँ पर बैलेंस भी चेक कर पाऊँगा शायद से। जी हाँ, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप बैलेंस भी चेक कर पा रहे हो। सो मैं जल्दी से इस नंबर पे आपका कोई भी कॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली आपका कॉल कैसे जाता है इस नंबर पे। सो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका कॉल आ गया, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर आपका ऐसे रिसीव कर सकता हूँ, जैसे मैंने बात की अभी आपका रिसीव हो गया। और जैसे देखिए जैसे आप अभी सुन पा रहे हैं, तो यहाँ से आपका ये साउंड हो रहा है। सो मैं जो भी अभी बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ से आपको सुनाई देगा, यहाँ से आपको बात करना पड़ेगा जैसे आपका लैंडलाइन पे होता है। और मैं अगर चाहूँ तो स्पीकर भी ऑन कर सकता हूँ। हेलो हेलो, सो
आपका स्पीकर आपका हो गया है ऑन। मैं अगर इसको रख देता हूँ, जैसे आपका ऑटोमेटिकली स्पीकर ऑन हो गया है। सो हेलो हेलो, सो जैसे आप देख पा रहे हो आपका स्पीकर भी इसका ऑन हो गया है, तो वो भी आप कर सकते हो। इट विल वर्क एज ए लैंडलाइन, सिंपल लाइक दैट। सो गाइस, तो इस टाइप का अगर टेलीफोन घर में रहता है, लैंडलाइन का कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हो, क्योंकि इसका बैटरी परफॉर्मेंस लगभग 6 से 8 घंटे तक जितना मैंने चेक किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई भी सिम लगा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेटली 2G तक चलेगा, उसके बाद आपका नहीं चलेगा। तो पुराना कोई भी सिम चलेगा, 2G सपोर्ट करता है। डेफिनेटली जियो सिम आपका सपोर्ट नहीं करेगा इसमें। तो अगर घर में सब कोई बुजुर्ग लोग है, आप लैंडलाइन रखना चाहते हो, तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। मुझे लोकल स्टोर से ये आपको मिलेगा लगभग 850 से 900 रुपये के आसपास। सो आप आराम से इसको कोई भी ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। मैं कुछ लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको आप इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप कोलकाता में रहते हैं, तब आप डेफिनेटली कम इन कीजिए। मैं एक नंबर छोड़ दूंगा, उस नंबर पर कॉल करके आप इस प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं। सो जो आई थिंक काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली कोई भी एक लैंडलाइन में आप रख सकते हैं। कॉलिंग करना भी काफ़ी ईजी है और यूज़ इस्तेमाल करना भी काफ़ी ईजी है, और वायरलेस भी है, कहीं पर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं चाहता, कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ स्टाइल चाहता है अपने घर में। सो गाइज, आप बताइए इंटरेस्टिंग गैजेट आपको कैसा लगा, और प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। सो जो भी आपका रिएक्शन है, फिर जो भी आपका सजेशन है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है, आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू रेडार फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, विच इज ट्विटर सर रेडार 15, और यू कैन लाइक और फेसबुक पेज ऑल्सो, विच इज फेसबुक सर रेडार। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस योर होस्ट, साइन अप फ्रॉम रेडार, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।